वर्ल्ड इज गुड, वर्ल्ड इज बैड, यू डिसाइड विच वर्ल्ड यू वॉन्ट टू फॉलो। हाई एवरी वन, पुणेकर करण इज हियर एंड लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विथ इंस्पिरेशनल कोट। स्टार्ट इज ऑलवेज जीरो बट एंड इज ऑलवेज डिराइव। ये कोट मैंने खुद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज की अगर शुरुआत करते हो तो आप जीरो से ही स्टार्ट करते हो, और जब ये खत्म हो जाता है तो अंत में आप कुछ पाते हो, और ये आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छी चीजें आपको सिखा के जाता है। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। द कोट इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड ही इज सिविल राइट एक्टिविस्ट लाइक महात्मा गांधी। अभी ये जो कोट है इसका मतलब है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन आप जो भी कर रहे हो उसे आप करते रहिए, उसे आप खत्म मत कीजिए। Surely something resides in this heart. This is not perishable, and life is more than a dream. The quote is written by Mary Wollstonecraft, and she is a British philosopher and feminist. Now, Mary want to say that आपका जो heart है, यानी आपका दिल, आपकी जो life है, यानी आपका जीवन, और आपके जो सपने हैं, dream, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये perishable है, नाशवंत है। तो आप जिंदगी में ऐसा काम कीजिए जो आपको मरने के बाद भी काम आए, जिससे लोगों को फायदा हो, वो ज्यादा महत्व रखता है। We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done. What is written by Alan Turing, British computer scientist. अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर पे ये कोट है। इसमें ये दर्शाया गया है कि रास्ता छोटा हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, या फिर ऐसे ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कितना भी छोटा रास्ता हो उस पे हमें चल के जाना है और उसको पार करना है। इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। द कोट इज रिटन बाय माया एंजेलो and she is American poet. Now the Maya want to say that कि इंसान को normal रहना चाहिए, और जो इंसान normal होते हैं वो बहुत amazing होते हैं। Now I want to ask you one question कि दुनिया में आपने जितने भी लोग देखे हैं उसमें से आपको कौन से लोग normal लगे, उनके नाम comment box में लिखिए। Write what should not be forgotten. Isabel Allen, Chilean author. तो इन ये जो चिली ऑथर हैं, इन्होंने जो कोट लिखा है इसका मतलब है जो चीज आप भूल जाते हो या फिर जिससे आपको भूलने का डर है उसे आप लिख के रखिए, ताकि वो हमेशा आपके दिमाग में रहे या फिर हमेशा इस दुनिया में जीवित रहे। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। द कोट इज रिटन बाय महात्मा गांधी and it is based on civil rights activist. आप सबको पता है गांधी जी ने civil rights activist में भाग लिया था, वो हमारे भारत देश के सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने ये quote उसी से inspire होके लिया है कि अगर आपको समाज को बदलना है तो आपको उसमें change लाना है, तो आपको उसमें participate करना पड़ेगा और उसको बदलने की क्षमता रखनी होगी। इसी बेस पे ये quote उन्होंने लिखा हुआ है और ये वर्ल्ड फेमस हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, देयर इज नॉट अ पार्टिकल ऑफ लाइफ व्हिच डज नॉट बियर पोएट्री विद इन इट। द कोट इज रिटन बाय गुस्ताव फ्लॉबर्ट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट है ये। इन्होंने इस कोट के माध्यम से ये बताना चाहा है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, इन सब में पोएट्री बसी हुई है। मतलब कि छोटा सा मिट्टी का कण भी है उसमें भी कविता है। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कविता
हम बना नहीं सकते या जिसमें कविता का अंश नहीं है। समटाइम्स ड्रीम्स आर वाइजर देन वेकिंग। द कोट इज रिटन बाय ब्लैक एल्क होलगाला स्वयक्स मेडिसिन मैन। नाउ यू हैव अ चैलेंज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट कोट एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट कोट।